हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से। तो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को, और साथ ही साथ जो है आपको बताऊंगा कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है और इसके लिए आप जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला नोटिफिकेशन आया ये है IIT मद्रास। आप देखिए, इसमें जो एप्लीकेशन मांगा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए मांगा गया है। साथ ही साथ इन्होंने जो है डिपार्टमेंट मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिजाइन, मैनेजमेंट स्टडी, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग। तो इन सब डिपार्टमेंट के लिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट जो है वो होना है IIT मद्रास में। तो हम बात कर लेते हैं कुछ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की। तो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है इट विल बी एज ऑन December 3, 2020, ठीक है। आप जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए PhD विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट द प्रोसीडिंग डिग्री, और आपका जो है स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इन द स्पेसिफिक एरिया, ठीक। अगर आपका PhD बायोटेक्नोलॉजी में है तभी आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट fsapp.iitm.in पर जाके जो है लॉग इन करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसका Grade 1 Grade 2। देखिए, यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो Grade 1 और Grade 2 मांगा गया है, ठीक। अगर आपका Grade 2 असिस्टेंट लाइक एक्सपीरियंस है, यानी कि आपका जो है less than 3 year का रिसर्च एक्सपीरियंस है, या आपने किसी इंडस्ट्री में काम किया है, आपने टीचिंग किया है less than 3 year, तब जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर Grade 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें Grade 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इसमें तो कैंडिडेट विद एटलीस्ट 3 years ऑफ इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस मे बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एटलीस्ट आपका 3 year का इंडस्ट्रियल या रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप जो है Grade 1 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपका 3 year से कम है जो है इंडस्ट्रियल या रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप जो है Grade 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बात करें, अगर हम ये जो रिसर्च है या एक्सपीरियंस है, ये आपका जो है PhD का नहीं होना चाहिए। PhD में आप मिनिमम 3 to 5 years जो भी वर्क करते हैं, इट विल नॉट लाइक इंक्लूड इन द लाइक टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका PhD के बाद होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे आपको जो एज हो वो 35 years से कम होनी चाहिए एज ऑन December 3, 2020 तक, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो है आपको जो स्कैन कॉपी ऑफ द साइन कॉपी ऑफ द डाटा शीट हैज टू बी अपलोड यूजिंग द ऑनलाइन लिंक। तो यहाँ पे आपको अपनी स्कैन कॉपी जो है डाटा शीट की वो अपलोड करनी है ऑनलाइन लिंक पे, ठीक है। अब हम बात करें कुछ और चीज की। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, आपको जो है अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो है आपको यहाँ पे क्या, देखिए, अपलोड अ डिटेल्ड एकेडमिक प्रोफाइल, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस है वो आपको जो है CV के फॉर्म में या CV में लिख के जो है वो अपलोड करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। टीचिंग प्लान जो मेंशन किया जा रखा है ITM की वेबसाइट पे, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और रिसर्च प्लान भी जो है आपको वो हाईलाइट करना है, आपका करंट और आपका पास रिसर्च इंटरेस्ट और अचीवमेंट भी, तो ये सारी चीजें जो है आपको वो अपलोड करनी है। साथ ही साथ आपको रिप्रिंट्स अपलोड करना है, मिनिमम 3 best paper जो आपने पब्लिश किए हैं, रिसर्च पेपर यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको रिसर्च पेपर जो है वो उसका जो 3 बेस्ट पेपर है उसे आपको जो है वो अपलोड करना है, ठीक। इसके अलावा आप अपना डिटेल जनरल कॉन्फ्रेंस नंबर लिस्टेड इन रिवर्स क्रॉनिकल जो ऑर्डर, तो ये आपको करना है। सारे अवार्ड या पेटेंट या प्राइज आपने अगर कोई वॉन किए हैं, विन किए हैं, तो आपको जो है यहाँ पे वो भी उसको भी अपलोड करना है। ऐसे रिसर्च गाइड यानी PhD या MS ओनली विद फॉर्मल गाइड और को गाइड स्टेटस लिस्टिंग, तो ये भी आपको अपलोड करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे जितने भी जो हेडिंग्स वो मेंशन किए हैं, तो ये सब जो है आपको अपने CV में इंक्लूड करना है, या वहाँ पे मे भी अलग से ऑप्शन आता होगा ये सब अपलोड करने का। तो वो आपको जो है जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे, तो आप जैसे ही लॉग इन करेंगे, आप बोल सकते एप्लीकेशन करेंगे, तो तब आपको ये चीजें जो है साथ में प्रिपेयर रखनी है अपलोड करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ अब देखिए पे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो असिस्टेंट प्रोफेसर Grade 2 में, तो अगर यहाँ पे 7 CPC पे लेवल 10 है, और यहाँ पे मिनिमम जो पे वो 70,900 पे। वहीं Grade 1 की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो 1,15,000 पे, ठीक है। तो ये आपका जो है ग्रेड पे Grade 1 Grade 2 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, चाहे Grade 1 के लिए हो चाहे Grade 2 के लिए हो, आप उसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है आचार्य भी इंक्लूड करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर Grade 2 का अगर हम देखें टोटल, तो यहाँ पे 97,400 आपको यहाँ पे एमोलुमेंट्स मिलेगा। वहीं अगर बात करें
ग्रेड वन की, तो यहाँ पे आपको 1,27,200 का जो एमोलूमेंट्स है वो यहाँ पे दिया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है एचआरए जो है आप कौन सा ग्रेड पे ले रहे हैं। ग्रेड वन पे अगर आपको एचआरए तो यहाँ 1,51,500 है, और अगर बात करें ग्रेड टू की तो यहाँ पे 1,08,400 है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे अगर आप जैसे ही जो इस आईआईटी मद्रास में ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे इनिशिएशन ग्रांट मिलेगा 5 लाख रुपीज का ज्वाइनिंग पे। अब ये जो ग्रांट है 5 लाख रुपीज का, ये आप जो है अपनी रिसर्च लेबोरेटरी को सेटअप करने के लिए यूज कर सकते हैं, या आप जो है कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी जो है वो यूज कर सकते हैं, या आप कोई भी जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट रखना चाहते हैं या प्रोजेक्ट स्टूडेंट रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो आप ये 5 लाख का जो भी आपको इनिशिएशन ग्रांट है वो आप यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको 20 लाख का जो स्टार्टअप ग्रांट दिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो अपनी लेबोरेटरी सेट करने के लिए आपको ग्रांट मिलेगा। साथ ही अगर आप कोई भी एब्रॉड में जो है कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं तब भी आप जो अपना ग्रांट यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है स्टार्टअप ग्रांट मिलेगा 20 लाख का, जिससे कि आप जो अपना रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, या आप कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो 3 ईयर्स के लिए जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैंने आपके डिस्कस कर लिए हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन करने से पहले। ठीक है, तो ये एक नोटिफिकेशन था तो क्या आईआईटी मद्रास से था। अब हम देख लेते हैं दूसरा नोटिफिकेशन। दूसरा जो नोटिफिकेशन है ये है फॉर द पोजीशन डायरेक्टर, डीन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी जो है वैकेंसी है, सीएससी, ईसीई, सीएमई, मैनेजमेंट में भी यहाँ पे जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। सारे होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, फूड प्रोडक्शन, देखिए यहाँ पर भी जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। फार्मेसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी के लिए वैकेंसी है। नर्सिंग की वैकेंसी, मेडिकल सर्जिकल, पेडियाट्रिक, कम्युनिटी हेल्थ, ऑब्स्टेट्रिक, साइकेट्रिक, इन सब के लिए देखिए वैकेंसी यहाँ पे है। साथ ही फॉरेन लैंग्वेज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, नेचुरल साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सारे देखिए लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स। तो देखिए यहाँ पे जितनी ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट्स सारे के लिए जो है वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। साथ ही साथ टेक्निकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर के लिए भी वैकेंसी को निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इज नॉट बार फॉर हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस कैंडिडेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर वेरियस पोजिशन एज पर यूजीसी एआईसीटीई रूल के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे जो है आपका एमोलूमेंट्स दिया जाएगा, और जो प्रेफरेंस दिया जाएगा इट विल बी टू गिवन टू पीएचडी होल्डर फॉर एकेडमिक पोजिशन। ठीक है, अब जो एप्लीकेशन है ये इट विल बी ऑल कैन बी मेड ऑनलाइन एट www.snuniv.ac.in और रेज्यूम्स कैन बी ईमेल टू। तो आप अपना जो रेज्यूम है वो मेल कर सकते हैं career@snuniv.ac.in पर। स्पेसिफाई आपको यहाँ पे करना है कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं एक और नोटिफिकेशन। तो एक और नोटिफिकेशन जो है वो एडेमस यूनिवर्सिटी है, इट इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर इंग्लिश, बंगाली। तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, सब के लिए जो है वैकेंसी जो है यहाँ पे निकाली गई है। फॉर क्वालिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट adamsa.university.ac.in/current-vacancies पर जाके जो है क्लिक कर सकते हैं, मतलब कि एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। और जो यू लाइक आपका जो एमोलूमेंट्स रहेगा वो एज पर AICTE और UGC के रूल के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।